लोगों को गुमराह नहीं करता हमेशा। मैं कहता हूं दो रास्ते हैं, एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां हमने जो 370 के हक में, 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 खत्म करने के लिए ने 370 को ख़त्म करने के लिए 377 MPs और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी, 7 पार्टियों ने, 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, लोगों को भी धोखा दे रहा हूँ। क्लियर? अच्छा सुनो भाई, मैं क्वेश्चन जब खत्म मेरे सवाल होंगे फिर आप। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को ख़त्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है, उस पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं, कोई कह सकता है कि आप हियरिंग जल्दी करो? कोई ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में जजमेंट फेवरेबल दे? नहीं दिला सकता, कोई कह नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। इसलिए मैंने पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन समय की बात। आज कोई कहेगा 6 महीने में दूंगा, 6 महीने हमारा एक्शन है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ सियासी पार्टियों से, आप डेवलपमेंट का मुद्दा रखो और इसको मुद्दे से बाहर रखो, क्योंकि मुद्दे हमने बहुत 70 साल में कहे, वो एक मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, और लोग समझते हैं अब हो जाएगा, और फिर वो लोग वोट जज्बात के नाम पर देते हैं। तो इसलिए एक दफा फिर जज्बात में मत गरीब, हमने पहले नारों में बहुत खो दिया है, जज्बात उभारे, लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी, उनने बंदूकें उठाई, बंदूकें उठाने का 1 लाख जवान शहीद हुए, 50-60 हज़ार हमारी बेटियां, बहु बेटियां हमारी बेवा होंगी, 4-5 लाख हमारे बच्चे मारे गए, मुसलमान मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, भाग गए, हमारे हिंदू भाई जम्मू के वो मार गए। तो इस ये मैं जम्मू के लोगों को भी बताता हूँ, कोई रिलीजियस नारा मत दे दो, मजहब की बुनियाद पे कोई नारा नहीं होना चाहिए।